मैं आलम सिंह उनियाल संभाग निरीक्षक अल्मोड़ा आप सबको प्रणाम करता हूँ तथा आपके साथ योग शिक्षा पर अपने विचार साझा करता हूँ। कहा जाता है करो योग रहो निरोग। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम्, यानी योग के द्वारा हम अपने कार्य को और सुंदर प्रकार से करने के लिए अपनी कुशलता को विकसित कर सकते हैं। विद्या भारती ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यानी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए 5 आधारभूत विषयों का चयन किया है। उसमें से योग शिक्षा एक प्रमुख विषय है। योग शिक्षा के माध्यम से छात्रों के आत्मबल का विकास करने का प्रयास किया जाता है, उनके अनेक आय वर्ग के हिसाब से और कक्षा के अनुसार अनेक यौगिक गतिविधियों के आधार पर हम छात्रों के आत्मबल को, उनके विल पावर को और उनकी इच्छा शक्ति तथा संकल्प शक्ति को और मजबूत कर सकते हैं। योग शिक्षा का अपने जीवन में इतना महत्व है कि आज पूरा विश्व योगा के नाम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और अनेक संगठन इस दिशा में अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। योग के द्वारा हम अपने शरीर आंतरिक शरीर को और स्वस्थ कर सकते हैं। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। यदि हमारे घर में धन संपत्ति भी है, हमारे घर में पुत्र भी आज्ञाकारी है, गृह लक्ष्मी भी अपनी सहयोगी है, परंतु यदि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी नहीं है तो यह सारे सुख हम सबके लिए बेकार हैं। प्राचीन योग ऋषि पतंजलि की इस योग विधा को आज पूरा विश्व इसकी महत्ता को समझ रहा है और हम सब भी उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। आइए हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखें। धन्यवाद।